मिले और गला लगाने की कोशिश करे तो अपने दोनों हाथों को हमलावर के हाथों के बीच से जोड़िए, फिर जुड़े हुए हाथों को पूरी तेजी से दोनों तरफ खोलिए। इससे हमलावर की पकड़ तुरंत छूट जाएगी। इसके बाद दोनों हाथों की हथेली से उसके कानों पर पूरी ताकत के साथ प्रहार करें। इससे हमलावर का सिर झंडा जाएगा। फिर उसकी आंखों में उंगलियों को गाड़ दें और उसका संतुलन बिगड़ते ही अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे पर पकड़ बनाकर हमलावर का वजन खुद पर से हटाते हुए उसे दूसरी ओर धकेलें। फिर फुर्ती से उठें और हमलावर की गर्दन पर झटका दें। झटके का दर्द उसे उठने नहीं देगा। किडनैपिंग यानी अपहरण की स्थिति में किसी को भी एक से ज्यादा व्यक्तियों का सामना करना पड़ सकता है, पर सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स के जरिए हम अपना बचाव कर सकते हैं। अगर कभी आप अपहरण का शिकार हो जाएं, तो सबसे पहले अपने बचाव में अपहरणकर्ताओं पर हमला करें। अमूमन वो एक से ज्यादा ही होंगे। ऐसे में किसी एक के चेहरे या ठोड़ी पर अपने सिर से वार करें। फिर हाथ आई किसी भी चीज को हथियार बनाकर दूसरे की आंख पर वार करें। अपने बचाव के लिए आप अपनी कुंडली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत अपनी कुंडली और कलाई के बीच के भाग से ड्राइवर की गर्दन पर पूरी ताकत से जोर डालें, ताकि उसका सिर स्टेयरिंग या हॉर्न पर लगकर आहत हो जाए। इस मौके का फायदा उठाएं और जल्दी ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर वहां से भाग जाएं। सेल्फ डिफेंस में हमारे हाथ हमारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर हमारे हाथ जकड़ भी लिए जाएं, तो भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। अगर कोई अचानक आप पर हमला करे और जबरदस्ती आपके ऊपर आकर आपके दोनों हाथों को जकड़ ले, तो तुरंत अपने हाथों को बाहर की ओर खींचें, ताकि बदमाश का चेहरा नीचे आपके सिर के पास आ जाए। फिर अपने सिर से उसके चेहरे या ठोड़ी पर प्रहार करें। इससे आपके हाथों पर उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाएगी। फिर अपने हाथ छुड़ाकर उसकी गर्दन मोड़ दे और जैसे ही बदमाश अपना संतुलन खो दे, तो उसका वजन खुद पर से हटाते हुए उसे दूसरी ओर धकेलें और साथ ही उसके दोनों पैरों के बीच में जगह बनाकर उसके पेट और जांघ के बीच के भाग यानी नाजुक अंग पर प्रहार करें। हम लड़कियां ज्योति का वो स्वरूप है जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है, और जरूरत पड़ने पर वो ज्योति आत्मरक्षा के लिए ज्वाला भी बन सकती है। दिल्ली पुलिस की स्पूवॉक टीम तमाम लड़कियों से बस इतना ही कहती है, बी अलर्ट, बी प्रिपेयर्ड एंड बी कॉन्फिडेंट।